सर हिंदी बता, थाने में सभी पार्टियों द्वारा बंद का ऐलान किया गया है, जिस तरीके से सारे दुकानें भी बंद है, सारे पार्टियों को लोग इसमें शामिल है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, यहाँ पे कितने लोगों को हिरासत मिलेगा और क्या करना चाहोगे उसके बारे में? सकल महाराणा समाज की तरफ से सुबह जो आंदोलन थाने में चालू है, थाना बंद, और यहाँ जो हमारे चार कार्यकर्ता जो हमारे समाज के लोग है उनको ताबे में लिया था, तो हमने आके मिलकर वो छोड़ दिया देशमुख साहब ने, और अभी थाने में शांत से आंदोलन हो रहा है और ये 5 बजे की आंदोलन चलेगा। कुछ हाईवे भी जो है कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया गया, अन्य दुकानों को भी जिस तरीके से जबरन बंद कराने की भी कोशिश की गई है, कहीं भी ऐसा कोई प्रकार हुआ नहीं है, सभी ने थाने की जनता ने खुद होकर बंद किया है, और मैं सुबह 7:30 बजे रास्ते पे आया था, मैं 7:30 बजे से पूरे थाने में अपडेट ले रहा हूँ, कोई ऐसी घटना घटी नहीं है, अगर एकाधिक कोई घटना घटी है तो उसका हमने उसके बारे में सोच विचार करेंगे। टीएमटी की सारे बसेस भी फिलहाल चल रही है, जिस तरीके से आपने अपने जो मुलाकात की थी कमिश्नर से, उसमें आपने जो पत्र कहा गया था कि टीएमटी के बसेस जो बंद रखा, लेकिन फिर भी बस चालू है। देखो अभी कैसा है, उन पे कुछ दबाव आया रहेगा, ये मोर्चा रुकना चाहिए इसके लिए किया रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल है उन्होंने सभी ने बंद किया हुआ है, आप देखोगे रिक्शा यूनियन सभी बंद है, कुछ छोटी मोटी रिक्शा वाले जो चालू थे उनका भी हमने हाथ जोड़ के विनती की है, उन्होंने बंद किया है। अभी 4 बजे हम लोग थाने महानगर पालिका के यहाँ सभी पार्टी के लोग और सभी हमारे मराठी भाई और हमारे मराठी बहनें वहाँ जमा होने वाली है। शाम को बैठक है, क्या लगता है इस बैठक में जो है न्याय मिलेगा, आरक्षण मिलेगा? हमने उसके पहले ही सबका साइन लिया है, हमारे साथ में पूरे समाज और पूरी पार्टी साथ में है, खाली शिंदे सरकार गुट की साइन नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की साइन है, इसलिए सब हम साथ में है, किसी को कोई तकलीफ नहीं करे, हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है अनेक वर्षों से सत्ता में साथ में, जिस तरीके से शिंदे गुट का साथ में आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मतभेद अभी भी आपके अंदर जारी है? देखो क्या होता है कि उनको ऐसा लगता रहेगा कि मैं मराठा को न्याय दूंगा तो बाकी के समाज हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए इस पर विचार कर रहे। मुझे एक बात का बहुत खंड है आज मुझे कि बाकी सब समाज के लोग, हर पार्टी के लोग अपना गमछा पहन के पूरे मंत्रालय में घूमते हैं, पूरे विधानसभा में घूमते हैं, लेकिन मराठा का कोई भी गमछा लेके आज तक घुमा नहीं है। ये अपने नेते डरते हैं, हमारे मराठा जो नेते हैं, जो आमदार है, जो खासदार है, वो मराठा नेता डरते हैं कि मैं अगर मराठा का गमछा पहन लूंगा तो मुझे बाकी के लोग वोट नहीं करेंगे। अगर बैठक के बाद न्याय नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आगे की भूमिका किस तरीके से रहेगी? ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, जब तक मराठा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। धन्यवाद। माननीय ॲडिशनल सिटी सर डॉक्टर पाटील सर यांच्या नियंत्रण मार्गदर्शनाखाली सर्व ठिकाणी बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट केलेला आहे। आमचं आणि त्या आंदोलन लोकांचं जे मी बंद पुकारलेल्या सर्व लोकांशी चर्चा झालेली आहे, शांततेत आणि तिथली कायदा सुव्यवस्था न बिघडवता बंद करायचं ह्या दृष्टीनं डायलॉग झालेले आहेत, त्या पद्धतीनं आपला सगळा बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट केलेला आहे। DCP सर गावडे सर यांनी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला जाऊन मीटिंगा घेतलेल्या आहेत आणि ACP मॅडम ज्या आहेत ते स्वतः इथं फिरत आहेत, त्यांच्या नियंत्रणाखाली मार्गदर्शनाखाली सर्व ठिकाणी पॉईंटवरती तिथली अनुचित प्रकार घडणार नाही या दृष्टीनं सर्व प्रयत्न चालू आहेत।